दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं 65वीं बीपीएससी प्री प्रैक्टिस सेट नंबर 32 लाया हूँ। इससे पहले 32 सेट जारी कर चुका हूँ, इसको आप देख सकते हैं और उसका काफ़ी फायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूले। तो पहला क्वेश्चन है, पटना में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बी आंसर हो जाएगा, अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हसन इमाम की पुत्री का क्या नाम था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अनुसार, ये हो जाएगा समी नाम था इसका, ए हो जाएगा आंसर इसका। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो किसने विचार रखा था, तो तीसरा नंबर हो जाएगा राय पूरन चंद हो जाएगा। चौथा, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? तो राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था, तो चार का दो हो जाएगा, 10 अगस्त 1929। फिर पांचवा प्रश्न है, बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो किसने किया था 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता, तो पांच का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सर अली इमाम हो जाएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया नामक गांव में विश्व का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप मिला। केसरिया नामक स्थान की खोज अलेक्जेंडर कनेमिंग ने किस चीनी यात्री के चित्रों एवं यात्रा वर्णनों में हुए उल्लेख के आधार पर किया था? तो छठा का क्या आंसर हो जाएगा, दो हो जाएगा, हेनसोंग। फिर सातवां, बज्जीगन की एक शाखा बुली की बहुत समय तक राजधानी स्थापित ऐसी नगरी का नाम क्या था? तो सात का क्या हो जाएगा आपको, सात का आपको ये हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़। आठवां, देववर्णाक से प्राप्त अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासकों में तीन गुप्त शासकों के नाम अंकित हैं, देवगुप्त विष्णुगुप्त कृपया, तीसरे शासक का नाम क्या था उसको बताना है? तो आठ का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जीवित गुप्त द्वितीय। फिर नौवां, महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था उसने किसका निर्माण किया था? तो नौ का क्या हो जाएगा आपको, दो हो जाएगा, बी हो जाएगा, राजगिरी राजधानी थी उसका, राजगिरी राजधानी का निर्माण किया था। फिर दसवां क्वेश्चन है, निम्न कथनों का अध्ययन करें एवं बताइए कि यह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? आपको चुनना है यही तीनों में, उसके आधार पर तय करना है। तो उपोष्ण प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों के वर्षा वन हैं, यहाँ प्रायः एक ही जाति वाले वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। तीसरा, मैग्नेलिया यूकेलिप्टस इत्यादि यहाँ के प्रमुख वन, ये सारे जो लक्षण हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य अक्षांशीय सदा हरित वन में पाए जाते हैं। फिर ग्यारहवां, निम्नलिखित जीवों में किस एक में सर्वाधिक स्पीशीज विविधता पाई जाती है, विविधता, तो ये कई बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। फिर 12वां क्वेश्चन क्या है, दक्षिणी पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 12 का, तो 12 का बी हो जाएगा, जॉर्डन हो जाएगा। 13, अटलांटिक महासागर में स्कॉटलैंड और आइसलैंड के मध्य स्थित फैरो द्वीप एक समूह है, यह द्वीप समूह किस और रूप में नाम से जाना जाता है? तो 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आइसलैंड ऑफ सीप हो जाएगा। 14, कोरल द्वीप या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है, तो 14 का क्या हो जाएगा, बी, कर्क व मकर के बीच तटीय क्षेत्रों में। फिर टर्की किनके मध्य स्थित है, तो टर्की किनके मध्य स्थित हो जाएगा, तो 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। 16, संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निदेशक तत्व को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन में। 17, किन विषयों से संबंधित निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का अधिक्रमण किया जा सकता है? पहला ऑप्शन सामाजिक तथा आर्थिक न्याय है, दूसरा है शिक्षा, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, उपरोक्त में से सही कथन है जो कि छाटना है। तो क्या हो जाएगा, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे जो नीति निदेशक क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों को अतिक्रमण किया जा सकता है।
1842 संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा किस अनुच्छेद को नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ा गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 18 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 39A। फिर है 19, कौन से प्रतिवेदन राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है, क्या क्या है, वित्त आयोग का, दूसरा संघ लोक सेवा आयोग का, तीसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, चौथा भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी का उपरोक्त में चयन कर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, तो 19 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, वित्त आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, और चौथा भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी का। फिर है 20, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध सही है बजट से है, तो किसका हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा आपको, सही हो जाएगा, कटौती प्रस्ताव का। 21, भारत की संचित निजी से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है, तो 21 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, संसद का। 22, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा, तो ये जो तीनों स्थगन द्वारा, सत्र अवसान द्वारा और विघटन द्वारा, तो मतलब डी हो जाएगा ये सभी। 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का एक भाग नहीं है, तो कौन नहीं है, तो 23 का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। उसके बाद है 24, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में मापन से संबंधित सही कथनों पर विचार कीजिए, इस सूचकांक का मापन 0 से 100 के बीच करते हैं, दूसरा इस सूचकांक में अन्य का अर्थ बहुत खराब एवं 100 का अर्थ अच्छी अर्थता मानी जाती है, तो क्या हो जाएगा 24 का आंसर, तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, न तो एक सही है और ना ही दो सही है। फिर है 24 के बाद क्या हो जाएगा, 25 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश शासन के दौरान गृह खर्च का क्या अर्थ है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर को दिए जाने वाला लाभांश, दूसरा भारत द्वारा इंग्लैंड में स्टर्लिंग में किए गए खर्च, तीसरा भारत स्थित ब्रिटिश सेनाओं के खर्च एवं इंग्लैंड से भारत आने और यहां से इंग्लैंड पहुंचने वाली सेनाओं का व्यय, सेवा से निवृत्त अंग्रेज अधिकारियों की पेंशन इत्यादि, चौथा भारत में स्थित रेल पर गारंटी रूप में दिया जाने वाला ब्याज और भारत मंत्री और उसके अधिकारी के वेतन आदि। तो निम्नलिखित कूट के आधार पर कौन सा सही हो जाएगा, तो 25 का क्या हो जाएगा आंसर, 25 का आपको डी हो जाएगा, सभी सही है। 26, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथनों को चुनना है, तो सभी ठोस पदार्थों का समान आयतन समान घनत्व रखता है, दूसरा सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन परमाणुओं की समान संख्या रखता है, तीसरा सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन समान अणुओं की रखता है, तो क्या हो जाएगा 26 में, इसमें कौन सा है जो कि असत्य कथन है, तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा, 26 का आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 है जो कि तीनों है जो कि असत्य है। फिर है 27, ठोस में द्रव तथा द्रव में गैस में रूपांतरित होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने में क्या परिवर्तन होगा, तो 27 का आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा। 28, डाल्टन का आंशिक दाब नियम निम्नलिखित में से किस गैस के लिए नहीं था, तो 28 का ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा, H2 और Cl2 हो जाएगा। 29, एक वास्तविक गैस के को दाब के प्रयोग द्वारा द्रवित किया जा सकता था जब उसका तापमान क्या होगा, तो 29 का क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, क्रांतिक तापमान पर रहेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर पर रहेगा। 30वां, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, तो 30 का क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, फ्लोरीन के साथ दांत में फ्लोरीन रहता है। फिर 31, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक नियंत्रण और उल्टी का नियमन केंद्र है, तो 31 का क्या हो जाएगा आपको आंसर सी हो जाएगा, मेंडुला ऑब्लॉन्गेटा। 32, निम्न में से कौन सा एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 32 का आंसर क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, दिक हो जाएगा, फिर गविनी हो जाएगा, फिर मूत्राशय और मूत्र मार्ग हो जाएगा। फिर 33, यूरिया किसके द्वारा रुधिर से पृथक किया जा सकता है जाता है, तो किसके द्वारा हो जाएगा, 33 का डी हो जाएगा, गुर्दा द्वारा। फिर 34 नंबर देखते हैं, हाल ही में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस देश के गृह युद्ध से अमेरिका को अलग करने के पक्ष में मतदान दिया है, तो 34 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, पेरू। 35, एशियाई विकास बैंक ADB ने व्यापक आर्थिक चुनौतियों को हवाला
देखते हुए पाकिस्तान की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2018 में 5.2% से गिरकर 2019 में कितना होने का अनुमान लगाया है, तो 35 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 3.9 हो जाएगा। 36 वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्टीफन हॉकिंस के किस सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया है, तो 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा डार्क मैटर को। हाल ही में BIS और किस IIT ने मानकीकरण तथा अनुरूपता मूल्यांकन के लिए MOI पर हस्ताक्षर किए हैं, तो 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा IIT दिल्ली हो जाएगा। 38 हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत की किस दवा कंपनी को जापान की दवा कंपनी दाइची साइक्योन के बकाया 4,000 करोड़ रुपये देने के लिए चिताया है, तो 38 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा रैन बैक्सी को। 39 फीफा द्वारा 4 अप्रैल 2019 को जारी रैंक विश्व रैंकिंग किस देश को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है फुटबॉल में, तो क्या हो जाएगा, 39 का आपको डी हो जाएगा भारत को हुआ 101वां रैंक। फिर 41 भारतीय सेना ने हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए अमेरिकी वायुसेना के एक विमान का मलबा किस राज्य में खोजा, 40 का क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 41 किस देश की सरकार ने उत्तर पूर्वी तट के 5 शहरों और काउंटी में बड़े पैमाने पर लगी आग को 5 अप्रैल 2019 को राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित की, 41 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। फिर 42 जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद प्रशासन ने बारामूला से उधमपुर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग पर 31 मई तक प्रत्येक हफ्ते में नागरिक यातायात को कितने दिन बंद करने का फैसला किया गया है, तो 42 का सी हो जाएगा 2 दिन। फिर 43 भारत ने किस देश के साथ लिथियम के विकास एवं औद्योगिक उपयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो 43 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बोलिविया। तो ये आज को आपको 32वां सेट था, 33वां सेट भी थोड़ा इधर डिले हो रहा है, थोड़ा समय की कमी के कारण मैं डेली सेट नहीं था, लेकिन कोशिश करूँगा कि डेली आपको प्रैक्टिस सेट जिस तरह दिया गया उधर उसी तेजी गति से आपको डेली जो कि उपलब्ध कराऊँ, और इससे करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का तो फायदा है, साथ साथ अन्य सब्जेक्ट चाहे हिस्ट्री हो, भूगोल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सारे क्वेश्चन को मैं टच करने, सारे विषयों से टच करने कोशिश करता हूँ, चाहे वो 3 ही हो चाहे 10 हो। तो आप हमारे चैनल पर लगातार सेट प्रैक्टिस में बने रहें निश्चित रूप से, क्योंकि अभी समय है, सितंबर में PT एग्जाम होगी, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो शिक्षा, धन्यवाद।